जी, वी आर कैनेडियन रोड ट्रैकर हेयर। मैं इस वक्त ये जहाज़ के अंदर बैठा हुआ हूँ। इजिप्ट एयर की फ़्लाइट है और हम लोग जा रहे हैं टोरंटो से कायरो। कायरो में हमारा स्टॉप है और उसके बाद वहाँ से मदीना की फ़्लाइट है। तो आप देख सकते हैं क्या राउट। जी, वी आर इमिग्रेशन से फारिग हो गए, अब ये बैगेज की तरफ आ रहे हैं। ये ऊपर का सारा इमिग्रेशन वगैरह का था, वहाँ मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। जी वी आर अब यहाँ पर, चूँकि 1 घंटे का टाइम था कायरो ट्रांजिट का, क्यों फ़्लाइट लेट हो रही थी, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी इन लोगों ने चढ़ा तो दिया लेकिन हम लोगों का सामान नहीं आया। तब ये यहाँ पर इनका वो है लॉस एंड फाउंड का, अब शाम में सामान आएगा। टोरंटो से निकले हुए अब तक हम लोगों को 20 घंटे हो चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है। आप कैसी लेते हैं? आप कैसी लेते हैं? मीडियम डबल डबल इस वक्त तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। अब ये मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर जहाँ ये आपको मैकडॉनल्ड नज़र आ रहा है, इसके राइट साइड के ऊपर आपको सारे सिम कार्ड वगैरह, ये सामने दुकानें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एसटीसी और जैन के आपको बूथ नज़र आएंगे और वहाँ से आपको सिम मिल जाएगी। चलें अब, इसके थोड़ी देर बाद हम होटल में, एक तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव थी, वहाँ से फिर होटल में दाखिल हुई है। दल्ला तैयबा के अंदर हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, और ये मदीना में खूबसूरत होटल है, खूबसूरत होटल है जिसे कह सकते। चलें भैया, और अब यहाँ पर थोड़ा सा मस्जिद नबवी की तारीख, किस अदवार में किस तरह इसकी एक्सटेंशन हुई और क्या इसकी तारीख है। मस्जिद नबवी जो मदीना में वाक़ इस्लाम में बहुत ज़्यादा तारीखी और रूहानी अहमियत रखती है। ये मस्जिद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत के बाद 622 ईस्वी में कायम की गई थी। सदियों के दौरान इस मस्जिद को मुतअद्दिद बार तौसी और तज़ीन की गर्ज से दोबारा बनाया गया है ताकि बढ़ती हुई तादाद में नमाजियों को समा सके और उसकी मकसदियत और फ़ालियत को बरकरार रखा जा सके। ये तौसी ना सिर्फ मस्जिद की दीनी अहमियत को जाहिर करती है बल्कि मुस्लिम दुनिया की तकनीकी और मायारी तरक्कियों को भी पेश करती है। इब्तदाई दौर और इसकी जो तौसी शुरू हुई सही मानों में, ये 622 ईस्वी में असल मस्जिद पैगम्बर सलाम और उनके सहाबा इकराम ने मदीना आने के बाद बनाई। ये एक मामूली साख थी जो खजूर के तनों और मिट्टी की दीवारों से बनी थी और उसकी छत सादा थी जिससे बारिश का पानी अंदर आ जाता था। 7वीं सदी में खलीफा उमर इब्नुल ख़त्ताब के दौर में मस्जिद की पहली बार तौसी की गई। इसके बाद खलीफा उस्मान ने बिन अफ़्फ़ान ने मस्जिद की तौसी की जो बढ़ती हुई मुस्लिम कम्युनिटी की ज़रूरत के तहत थी। अच्छा, इसकी उसके बाद जो इसकी जो तौसी हुई उमवी और अब्बासी तौसी जो हुई है, उमवी खलीफा खलीफा वलीद अव्वल 705 से लेके 715 के दौर में मस्जिद को नुमाया तौर पर दोबारा तामीर और तौसी दी गई। मस्जिद की दीवारों को नक्शुदा पत्थरों से दोबारा बनाया गया और उसकी छत को पत्थर के सतूनों पर उठाया गया और सागवान की लकड़ी से बनाया गया। अब्बासी दौर में मज़ीद बेहतरियाँ की गईं, हालांकि इस दौर के दौरान की गई ख़ास तब्दीलियों के बारे में कम तफसीलात दस्त है। उस असल मानों में जिसके ऊपर काम हुआ है वो उस्मानी दौर में ओटोमन एम्पायर्स के अंदर हुआ है जो 1520 से शुरू हुआ और 1566 ईस्वी तक रहा। उस्मानी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर तजदीदात और तौसीयात की। सुल्तान सुलेमान ने दीवारों को दोबारा बनाया और नए अनासर जैसा कि अब भी मौजूद मीनारों का इजाफा किया। उस्मानी सलातीन बिजली की रोशनी और जदीद खिदमात की मुतारफ कराने समेत मुसलसल बेहतरी लाते रहे। उसके बाद जो आजकल जो मौजूदा इसकी सिचुएशन है उसमें सऊदी तौसीआत का बहुत ज़्यादा दखल है। 1950 ईस्वी की दहाई से हाल तक सबसे ज़्यादा वसी तौसी मनसूबे 20वीं सदी के आखिर में सऊदी हुकूमत के तहत शुरू हुए। किंग सऊद, किंग फैसल और इसके बाद की सऊदी हुक्मरानों ने मस्जिद की गुंजाइश और सहूलत को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे की निगरानी की। पहली सऊदी तौसी किंग अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से शुरू की गई। इस मरहले में नए मीनारों का इजाफा हुआ, नमाज के इलाके की तौसी की गई, एयर कंडीशनिंग की इब्तदा की गई। दूसरी सऊदी तौसी जो किंग फहद के दौर ज़ेर एहतमाम, इस मस्जिद को नुमाया तौर पर बढ़ाया और नया बाजू और मजीद मीनारों का इजाफा किया गया।
इसमें ज़ेर ज़मीन पार्किंग और एयर कंडीशनिंग वाले नमाज के इलाक़ों की तख्लीक भी शामिल थी। और इसकी जो तीसरी सबसे बड़ी वो किंग अब्दुल्ला की तरफ से शुरू की गई एक सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है, जिसका मकसद मस्जिद की गुंजाइश को 1 मिलियन से ज़्यादा नमाजियों तक बढ़ाना है। इसमें नमाज के इलाकों की तौसी, सहूलत की बेहतरीन और बेहतरीन रसाई की तरफ आ गई है, और बेहतर रसानी के लिए इर्द गिर्द के शहरी मंजरनामे की तजदीद शामिल है। इसमें पूरे मदीना शहर को जो है उसकी पूरी वो हो रही है, नए सिरे से इसको डेवलप किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जो पुराने इसके जो हेरिटेज थे, जो इसके पुराने इलाके थे, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुए हैं। मस्जिद नबी की तारीख में तौसीयों की तारीख में तौसीयों ने मैमारी और तकनीकी तरक्कियों को शामिल किया है, जबकि मस्जिद के रूहानी माहौल को बरकरार रखा गया है। जदीद तामीराती तकनीकों और मवाद के इस्तेमाल से मस्जिद को दुनिया भर से आने वाले बढ़ते हुए तादाद में हुज्जाज इकराम की ज़रूरत को पूरा करने की इजाज़त दी है। उनकी आमद के दौरान उनके आराम और हिफाजत को यकीनी बनाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी वहाँ पर सिक्योरिटी, सेफ्टी और इंतज़ाम, क्राउड मैनेजमेंट और जिस तरह का इंतज़ाम किया गया है, इर्द गिर्द के इलाकों को बेहतरीन और ख़ूबसूरत किया गया है। बड़े बड़े क्या नाम है पार्क, मस्जिद कुबा की तरफ जो बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, और आपका जो गवर्नर हाउस जहाँ पर मदीना का गवर्नर जो है वहाँ जो बैठता है या बैठते हैं मौसूफ, उनके करीब जो बड़े बड़े पार्क बनाए जाएंगे उसका एक बहुत बड़ा वो है। जी वीर, अब ये देखें क्या नाम है, अभी जोहर की नमाज भी है और उसके बाद जो है इतना हज के दौरान पे भी इतना रश नहीं होता जितना ये आम दिनों में है। सैटरडे की मुनासबत से यकीनी बात है, क्योंकि लोकल भी बहुत उम्रा करने के लिए और मस्जिद नबी की ज़्यारत के लिए आते हैं। लेकिन इस एवरी ईयर द रश इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, जबकि ये बहुत महंगा होता जा रहा है, उसके बावजूद भी आप रश देखें। हरम से एक लाखों के हिसाब से लोग जो है ना आए चले जा रहे हैं। أنا نفسي لقى جنب صراحة أول مرة نفسي